चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टाटा नेक्सॉन BS6 के बारे में। तो अगर हम इसके फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आप देख सकते हैं एक पियानो ब्लैक ग्रिल मिलेगी आपको। नीचे की बात करें तो नीचे में आपको ट्राई एरो ग्रिल मिलेगी और उसके नीचे सिल्वर की ट्रेड्स मिलेगी। और जो ब्लैक पियानो फिनिश की ग्रिल है उसके जस्ट नीचे देखें तो वहाँ का आपको क्रोम की फिनिश मिलेगी और जो हेडलाइट से कनेक्टेड है। यहाँ पे आपको LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलेंगे और फॉग लैंप्स मिलेंगे। अगर आप देख सकते हैं कितना वाइड लुक है कार का और बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव और न्यू लुक आ चुका है। अगर हेडलाइट्स की बात करें तो वो प्रोजेक्टर हेडलाइट्स हैं और DRLs भी न्यू आ चुकी है जिसको टाटा कह रहा है ट्राई एरो DRLs। अब अगर हम बात करें साइड व्यू की तो साइड में आपको देखने को मिलेगा 16-inch अलॉय व्हील्स और पियानो ब्लैक फिनिश के ORVMs। और अगर हम बात करें रूफ की तो रूफ रेल्स मिल जाएंगे आपको इसमें और डुअल टोन कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे और इंटीग्रेटेड स्पॉइलर मिल जाएगा। और रियर की बात करें तो वहाँ पे आपको ट्राई एरो शेप टेल लैंप्स मिल जाएंगे। अब अगर हम बात करें इंटीरियर की तो इंटीरियर में आपको फुल्ली न्यू इंटीरियर मिलेगा, ट्राई 3-tone फिनिश के साथ मिलेगा। और अगर स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो वो फ्लैट है, फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील जो कि अभी टियागो में भी आया था, लेकिन ये टियागो वाला नहीं है, ये टाटा नेक्सॉन के लिए अलग से बिल्डअप किया गया है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। टच स्क्रीन की बात करें तो 7-inch के इंफोटेनमेंट सिस्टम वही है जो पहले थी, उसमें थोड़े फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं। और उसके नीचे आपको मिलेंगे AC vents के नीचे आपको मिलेंगे टच स्क्रीन के कंट्रोल और उसके नीचे आपको मिलेंगे AC के कंट्रोल। अगर हम सेंट्रल कंसोल की बात करें तो सेंट्रल कंसोल में आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा और उसके अंदर आपको गियर नॉब मिल जाएगा जिसके अंदर तीन आपको वो मिलेंगे ड्राइविंग मोड्स मिल जाएंगे, एक स्पोर्ट, एक सिटी और एक इको। और साइड में आपको हैंड ब्रेक मिल जाएगा। अगर हम इसके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो उसके अंदर आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, लेफ्ट में RPM मीटर, राइट में फ्यूल मीटर और सेंटर में स्पीड, ट्रिप और सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर हम रियर की बात करें तो रियर में आपको AC वेंट्स मिल जाएंगे, कप होल्डर्स मिल जाएंगे, आर्मरेस्ट मिल जाएगा और बिल्कुल प्रीमियम न्यू ट्राई कलर की अपहोल्स्ट्री भी मिल जाएगी। अगर हम इंजन ऑप्शंस की बात करें तो ऑल न्यू BS6 इंजन ऑप्शंस के साथ आएगी अब टाटा नेक्सॉन। और उसमें 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज लेवरट्रॉन पेट्रोल इंजन है जो 120 PS पावर और 170 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और अगर डीजल इंजन की बात करें तो वो 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज लेवरट्रॉन डीजल इंजन है जो कि 110 PS और 260 Nm टॉर्क जनरेट करता है और एकदम न्यू लुक के साथ अब टाटा नेक्सॉन आएगी। अगर हम इसमें स्टैंडर्ड सेफ्टी की बात करें तो एज ए स्टैंडर्ड आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ABS with EBD, roll over mitigation, hydraulic brake assist, hill hold control, dual airbags, जैसे सेफ्टी फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। और टाटा ने इसमें सेफ्टी का डिस्ट्रीब्यूशन इतने अच्छे तरीके से किया है कि आपको बेस वेरिएंट में भी इतने अच्छे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं कि जो कई कारों के टॉप वेरिएंट में आपको नहीं देखने को मिलते। बहुत ही अच्छी मुझे टाटा यही बात लगी कि टाटा कभी भी सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। और अगर हम इसमें एक और सेफ्टी फीचर आइसोफिक्स स्टाइल सीट भी आपको एज ए स्टैंडर्ड मिलेगा जो कि बहुत अच्छी बात है। और टाटा की ये वाली नेक्सॉन कनेक्टेड कार होने वाली है जिसके अंदर आपको आप कार की इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, कितना फ्यूल बचा है, क्या क्या है, कहाँ चल गई और कहाँ है अभी है। और अगर हम फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में आपको कनेक्टेड कार मिलेगी, रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलेंगे, ऑटो हेडलैम्प्स मिलेंगे, कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलेगा, अम्ब्रेला होल्डर मिलेंगे। और उसके बूट स्पेस की बात करें तो वो 350 लीटर्स का बूट स्पेस है, 350 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। और अगर हम इसमें कौन कौन से कलर्स आपको अवेलेबल होंगे उसकी बात करें तो इसमें टेक्टोनिक ब्लू, फॉलेक ग्रीन, कैलरी वाइट, फ्लेम रेड, प्योर सिल्वर एंड डेटोना ग्रे मिलेगा। और अगर मैं कार का ओवरऑल लुक की बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। साइड में आपको R16 व्हील मिलेंगे जो डायमंड कट है और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव कार को बनाया गया है पहले से।